हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गायत्री और गायत्री फूड मैजिक में आपका स्वागत है। पपीता खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन आज हम कच्चे पपीते से एक ऐसी डिश तैयार करेंगे जो कि हर किसी को पसंद आएगा। तो फिर चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम ये ग्रेटेड पपीता ले लेंगे, मैंने ये 2 कप लिया है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाए। 15 मिनट के बाद देखेंगे पपीता तैयार हो चुका है। अब हम इसे निचोड़ के इसका एक्सेस पानी वो निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमको करना है। ऐसे ही हम सारे पपीते को निचोड़ के रख देंगे। ये जो पानी निकला है हम इसे बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें बारीक कटे हुए और थोड़े से धनिया के पत्ते। इसमें और डालेंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 2 बड़े चम्मच बेसन। इसे हम अच्छे से मिला देंगे, लेकिन इतने बेसन से ये अच्छे से बाइंड नहीं होगा, इसीलिए हम इसमें और 1 बड़े चम्मच बेसन और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ बेसन से भी इसे बना सकते हैं। देखिए अब ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से बॉल्स के साइज छोटे या बड़े कर सकते हैं। देखिए हमने ये सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस में। इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और एक एक करके सारे बॉल्स को डालेंगे। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम आंच पे रखेंगे और इसको अच्छे से पकने तक तलेंगे। बॉल्स अच्छे से पक जाने के बाद हम इसे छान के एक टिश्यू पेपर में या फिर किचन टॉवल में निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस में हम बाकी के कोफ्ता बॉल्स को तल के तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स तैयार होने के बाद हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए हम एक पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से फ्रेग्रेंट होने देंगे। फिर हम इसमें 1 बड़े प्याज को बारीक काट के डालेंगे और इसे गोल्डन कलर होने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें 1/2 कप टमाटर का प्यूरी डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, इसको एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और मसाले को एक बार अच्छे से मिला देंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और जो पपीते का पानी था वो भी डालेंगे। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप ना डालें, आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा डाल के ग्रेवी को पतला या गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखती हूँ ताकि लास्ट में जब हम कोफ्ते बॉल्स डालेंगे तो वो थोड़ी सी ग्रेवी सोक करेगी और हमारी ग्रेवी ऐसे ही गाढ़ी बन जाएगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, मतलब हमारी ग्रेवी तैयार है। आप ग्रेवी को ऐसे ही पहले से तैयार करके रख सकते हैं और आप इसे जब सर्व करें उससे थोड़ी पहले आप उसमें कोफ्ते बॉल्स डाल के उसको सर्व करें, वरना कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। लास्ट में हम इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे,
इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे और हमारी ग्रेवी तैयार है। मैं इसे अभी सर्व करूंगी, इसीलिए मैं इसमें सारे कोफ्ते बॉल्स डाल दूंगी और इसे एक बार अच्छे से मिला के इसको सर्व कर दूंगी। आपको ये जब खाने हो तब आप ग्रेवी को गर्म करके उसमें कोफ्ते बॉल्स डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे रोटी, राइस किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।